वेव पार्टिकल ड्यूनिटी ऑफ रेडिएशन क्या होती है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ रेडिएशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेव नेचर ऑफ लाइट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो आमतौर पर हम ये मानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है उसी को ड्यूल कैरेक्टर अलॉट किया गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन से पहले जो लाइट होती है ना उसको भाई ड्यूल कैरेक्टर दिया गया था। ठीक है, तो आप ही बताओ बेटा, सबसे पहले लाइट को क्या मानते थे बताओ। सबसे पहले भाई 17th सेंचुरी के एंड में, क्या इन द लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, तब क्या मानते थे कि लाइट क्या होती है बोलो भाई। उस टाइम पे मतलब भाई क्या बोलते इसके, इसमें बड़ा क्या बोलते हैं भाई, कंफ्यूजन था। नहीं, स्टार्टिंग इसको मानते थे लाइट, सॉरी पार्टिकल मानते थे। आइजक न्यूटन लाइट को क्या मानते थे, पार्टिकल। यानी कि जब आपको यानी सूरज से जो लाइट हम तक आती है ना वो लाइट के टुकड़े आते हैं, बात आपको पहले पड़ी। और जब आप कोई मोमबत्ती जलाते हो तो उसमें से भी लाइट के टुकड़े निकलते हैं। जैसे ये ट्यूब है LED ट्यूब, ठीक है बात, इसमें से भी लाइट के टुकड़े निकल रहे होते हैं। तो शुरुआत में लाइट को क्या मानते थे, पार्टिकल। तो इसको बोलते थे कॉर्पस्कुलर थ्योरी। क्या बोलते थे इसको, कॉर्पस्क्यूल्स का मतलब होता पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन फिर आपको पता है एक थ्योरी आई, आपको पता होगा ना, एक डच फिजिसिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगन। कौन, क्रिश्चियन हाइगन। उन्होंने, आपको पता है भाई, एक थ्योरी दी थी, उनको क्या बोलते हैं, हाइगन्स प्रिंसिपल। और हाइगन्स प्रिंसिपल में लाइट को क्या माना गया था, वेव। जैसे तालाब में लहरें नहीं बनती हैं इस टाइप की, तो बोले लाइट क्या होती है, वेव होती है। तो पहले लाइट को क्या मानते थे, पार्टिकल, लेकिन फिर लाइट को क्या मानने लगे, वेव। लेकिन कौन सी वेव होती है ये नहीं पता था। ठीक है, लेकिन हाइगन की जो थ्योरी थी ये बड़ी इफेक्टिव थी, क्योंकि अगर पानी में दो वेव बने तो वेव्स भी क्या करती हैं, इंटरफियर। वेव के रास्ते में दो स्लिट आ जाएं, दोनों से पास करते ना वेव। तो सिमिलरली भाई जो लाइट होती है, लाइट भी क्या शो करती है, लाइट इंटरफेरेंस भी शो करती है, डिफ्रैक्शन भी शो करती है, समझ गए बात, रिफ्रैक्शन भी शो करती है। यानी एक क्या बोलते हैं, एक वेव की सारी प्रॉपर्टी कौन शो करती है, लाइट। तो लाइट को क्या मानने लगे, फिर वेव मानने लगे। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये बताओ फिर किसने बताया। 1800 वेव तो है, लेकिन कौन सी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसने बताया बताओ भाई। 1865 में आपने पढ़ा होगा जो मैक्सवेल ने क्या बताया था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। उससे पहले ये तो मालूम था लोगों को कि लाइट क्या है, वेव है, लेकिन किस तरह की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कि इसके अंदर क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग, इसमें क्या होते हैं, अगर वर्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो आपस में तो परपेंडिकुलर है ही है, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या है, परपेंडिकुलर। ये बात कब मानने लगे थे, ये बात कब पता लगी थी बताओ, 1865 में। और 1888 में आपको पता है हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया था। ये हमने बेटा ऑलरेडी सारा हमने पढ़ लिया है, पता होगा ना आपको। मेरे पर सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि लाइट को शुरुआत में मानते थे पार्टिकल, लेकिन फिर लाइट को क्या मानने लग गए, वेव, कि लाइट वही वेव होती है। और कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन फिर आपने पढ़ा था भाई कि चार घटनाएं थी जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। और कौन कौन सी घटनाएं थी, मैंने आपको बताया था चार घटनाएं थी भाई जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। उनमें से एक तो हमारे पास क्या था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा हमारे पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक हमारे पास क्या था, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और एक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इन घटनाओं को हम सिर्फ कब एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैंने पढ़ाया था आपको भाई,
ठीक है, तो ये सिर्फ कब एक्सप्लेन होता है, जब हम लाइट को क्या मानते हैं, जब हम क्या मानते हैं कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन कैसा होता है। जो चार घटनाएं हैं ये सिर्फ तभी एक्सप्लेन हो पाती हैं जब हम क्या मानते हैं कि एनर्जी का एमिशन या एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है डिसकॉन्टिन्यूअसली। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअसली। और भाई एनर्जी किसकी फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब हो रही है, रेडिएशन की फॉर्म में, तो रेडिएशन ही क्या होगी एक तरह से डिसकॉन्टिन्यूअस। और क्योंकि वेव हमेशा क्या होती हैं कॉन्टिन्यूअस, और पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। भाई कॉन्टिन्यूटी वेव का करेक्टर होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी पार्टिकल का करेक्टर होता है। आप कभी ये नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया था भाई, अगर मान लिया आप यहाँ पर एक रस्सी बांध के, एक रस्सी में अगर आप ऐसे लहरें बनाते हो, कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास 100 मीटर की रस्सी है तो उसमें मैं ऐसे लहरें बनाएं तो 5 मीटर तक तो लहर हो, फिर फ्लैट रस्सी, फिर लहर हो, फिर फ्लैट रस्सी, ऐसा नहीं होता। पूरी रस्सी में क्या होती है लहर। तो वेव क्या होती है भाई कॉन्टिन्यूअस, पार्टिकल क्या होते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये जो चार घटनाएं थी इनको सिर्फ कब एक्सप्लेन किया गया, जो चार घटनाएं थी ये सिर्फ कब एक्सप्लेन होती हैं, जब हम क्या मानते हैं कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअसली। और अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन डिसकॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब, और एनर्जी किसकी फॉर्म एमिट होती है रेडिएशन की, इसका मतलब रेडिएशन ही क्या है डिसकॉन्टिन्यूस, और डिसकॉन्टिन्यूस मतलब पार्टिकल। तो पहले लाइट को क्या मानते थे पार्टिकल कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, फिर क्या मानने लगी दुनिया वेव है, क्योंकि उनसे भाई अरे आइगन प्रिंसिपल। लेकिन फिर ये चार घटनाएं थी इनको सिर्फ हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट को हम क्या माने पार्टिकल। तो एक तरह से जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी खत्म हो गई थी एक तरह से, वो क्या होगी, तो वो दोबारा से रिवाइव नहीं होगी भाई, दोबारा से उसको हम लिखते थे भाई, क्या वो जिंदा नहीं कर दिया क्या, तुम तो क्या बोलेंगे बताओ कि लाइट क्या है। तो अब तो भाई फिर साइंटिफिक कम्युनिटी बोली कि क्या करें भाई, लाइट को वेव माने कि पार्टिकल माने, क्योंकि कई घटनाओं में तो ये वेव की तरह बिहेव करती है और कई घटनाओं में ये एज पार्टिकल बिहेव करती है। तो ये बोले कि काम करो इसको दोनों मान लो कि वेव भी और पार्टिकल भी है। तो इसे क्या अलॉट कर दिया गया, ड्यूअल कैरेक्टर। क्या ड्यूअल कैरेक्टर, कि भाई लाइट के पास क्या होती है ड्यूअल नेचर। याद रखिए, और याद रखियो भाई जो बाद में हमारे पास, देखो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इससे निकलने वाली रेडिएशन कैसी है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये अपने आप क्या होगी, ये पार्टिकल्स हो गए ना, वेव पैकेट्स हो, क्या हो गए वेव पैकेट्स। तो ध्यान रखियो आगे हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, लेकिन भाई ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर अलॉट होने से पहले लाइट को ड्यूअल नेचर पहले अलॉट हुआ था। आगे आपको ये शाबाश। अब बताओ भाई इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट सपोर्ट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी घटना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करती। ब्लैक बॉडी रेडिएशन सपोर्ट करती है, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट सपोर्ट नहीं करता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये तीन घटनाएं तो क्या सपोर्ट करती हैं, लाइट क्या होती है पार्टिकल। और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ने क्या सपोर्ट किया था कि लाइट क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कौन सी घटना सपोर्ट नहीं करती पार्टिकल कैरेक्टर को, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हम ये बोलेंगे। आगे आपको ये, अब बताओ क्वेश्चन टू क्या है, द फर्स्ट थ्योरी दैट कंसिडर्ड लाइट एज पार्टिकल वाज, कौन सी घटना थी, कौन सी थ्योरी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या इस लाइट को पार्टिकल माना था, बिल्कुल, मैक्सवेल हाइपोथेसिस, रमन इफेक्ट की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये मैं सोचियो कि भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम आज यूज बेशक क्या करते हैं, आज बेटा हम सिर्फ क्या यूज करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लेकिन ध्यान रखियो भाई उस टाइम पे मेन थ्योरी बताओ कौन सी थी, सबसे पहले जो आई थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आ गया ना आपको ये, वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।